हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में 10 दिन से भी कम समय रह गया है, तो अब टाइम है अपनी स्टडी को प्रिसाइज करने का और एक सिलेक्टिव स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने का। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस जीए के पूछे जाते हैं क्लर्क मेंस में, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि हैं नवंबर मंथ से। तो दोस्तों, दिसंबर मंथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर उसका लिंक आ जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने डिसाइड किया है एलईआई कोड को मैंडेटरी करने का फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो कि रेगुलेट किए जाते हैं सेंट्रल बैंक द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज एलईआई मीन, एलईआई का मतलब क्या है। तो एलईआई मीन्स लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज द राइट आंसर। और अगर हम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की बात करें तो ये 20 करेक्टर का एक कोड होता है, जो कि असाइन किया जाता है एंटिटीज को हु आर पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने डिसाइड किया है होल्डिंग पीरियड के टर्म को चेंज करने के लिए, किसके लिए, सिक्योरिटीज लोन पोर्टफोलियो के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्स मंथ के लिए इसको चेंज कर दिया है, या फिर टू क्वार्टरली पीरियड। थर्ड क्वेश्चन, किस बैंक ने डेवलप किया पैसा पोर्टल। मैं पैसा पोर्टल के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। ये पैसा पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। आपने ये योजना पढ़ी होगी, DAYNULM। इस योजना के अंतर्गत ये पैसा पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया गया पैसा पोर्टल किसने बनाया, ये है अलाहाबाद बैंक ने इसको डेवलप किया है। तो अब पैसा पोर्टल की फुल फॉर्म की बात करें हम, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। तो ये थी पैसा की फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडिया हेड ऑफ सॉफ्ट बैंक। इंडिया के हेड कौन है सॉफ्ट बैंक के। अब बात करते हैं जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है उनकी, वो है सुमेर जुनेजा इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव फिनटेक्स इकोसिस्टम। किस बैंक ने लॉन्च किया है ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, किसके लिए, कोलैबोरेटिव फिनटेक इकोसिस्टम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है रिसेंटली आरबीआई के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है 31 एनबीएफसी का लाइसेंस। एनबीएफसी की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस होते हैं ये, इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए आरबीआई द्वारा। अब बात करते हैं किस सेक्शन के द्वारा ये कैंसिल किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो अंडर विच सेक्शन, ये है सेक्शन 45, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 IA 6। ये एक सेक्शन होता है जिसके द्वारा आरबीआई कैंसिल कर सकता है लाइसेंस ऑफ एनबीएफसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन, आरबीआई मे बी सेटिंग अप एन ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल पेमेंट्स बाय। एक न्यूज है कि आरबीआई सेटअप करेगा ओम्बड्समैन सीम, किसके लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए, और उसकी जो डेट है वो है मार्च 2019। एट्थ क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली अनाउंस इंडियाज फर्स्ट ट्रेड फाइनेंस ट्रांजेक्शन थ्रू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के द्वारा इंडिया की, किस बैंक ने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट ट्रेड फाइनेंस ट्रांजेक्शन, वो है HSBC बैंक। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसने रिसीव किया है, किस कंपनी ने इस ट्रांजेक्शन को रिसीव किया है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फर्स्ट जो ब्लॉकचेन के द्वारा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिसीव किया है।
अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। Who was appointed as managing director and CEO of UCO Bank? इनका अभी फिलहाल में जो अपॉइंटमेंट की गई है और इनका नाम है अतुल गोयल। अतुल गोयल प्रेजेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं UCO Bank के। 10th क्वेश्चन की बात करें, 10th क्वेश्चन है FSDC meeting was recently held and chaired by फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। FSDC की जो मीटिंग है रिसेंटली हुई थी और उसको चेयर किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट डज FSDC स्टैंड फॉर, FSDC की मतलब क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें FSDC की तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बैंकिंग अवेयरनेस के 6 मंथ के, मैं एक काम कर रहा हूँ 6 मंथ की सीरीज लेके आने वाला हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, और इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन जो कि बैंकिंग में है क्लेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी वीडियोज आपको सबसे पहले मिलें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching. All the best.